गोंदिया शहर में विधान परिषद सदस्य परिणय फुके इनकी निधि से मंजूर लगभग 2 करोड़ का बांध काम कार्य ठेकेदार अभय अग्रवाल द्वारा किया गया, जिसमें सबसे पहले टीवी टोली में मंजूर नाना नानी पार्क में पूरे परिसर में सिर्फ आधी जगह पर दीवार बनाई गई है। इस नाना नानी पार्क में इसके अलावा कुछ भी कार्य नहीं हुआ है। यह पार्क सिर्फ कचरे और झाड़ियों से भरा हुआ है, जिसके बैंक काम का 25 लाख रुपए का पेमेंट बीएनसी के द्वारा ठेकेदार को मिल चुका है। वैसे ही अंकुर बगीचा में पानी टंकी और प्लांट का काम अनुमानित लागत 30 लाख रुपए है, जिसका बांध काम 1 साल से पूरा हो चुका है, लेकिन यह प्लांट चालू नहीं है। वैसे ही प्रभाग क्रमांक 10 में घोषाल मैडम के घर के सामने जो रोड बना हुआ है, इसमें हर समय पानी भरा रहता है। आशीर्वाद हॉस्पिटल के सामने का जो रोड बना है, इसके अनुमानित लागत 30 लाख रुपए है, इसमें भी पानी भरा रहता है। वैसे ही प्रेम गली में सीमेंट रोड, जिसकी लागत 30 लाख है, यह सभी बांध काम घटिया सड़कें हैं, जिसमें स्थानीय नागरिकों में भारी नाराजगी है और उन्होंने अपील की है कि इन सारे कामों की शासन के द्वारा जांच होनी चाहिए और गड़बड़ी पाए जाने पर ठेकेदार और शासकीय अधिकारी पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना काम हुआ है और दीवार की हाइट बस इतना ही दिखाई दे, तो गार्डन के मुताबिक यहाँ पे जो सुविधा होनी चाहिए, तो पेड़ लगने चाहिए या फुटपाथ या गार्डन या टेरेस जैसे बनता है, पानी की सुविधा या बैठने की कोई चेयर्स ऐसी सुविधा जो बेसिक सुविधा होती है वो होनी चाहिए थी। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं, देखो कचरे का आलम लगा हुआ है, ये देखिए कचरे का आलम है जो ठेकेदार ने जिस समय काम किया था, जो उस समय की पड़ी हुई झाड़ियाँ और जो नेचुरली उगी हुई जो कांग्रेस घास बोलते जो उगने के लिए देखो जैसे, और नेचुरल जितने उगते, ये देखो ये पेड़ तो एक कॉलोनी के अंदर एक में जो पेड़ दिख रहा है जो पहले से है, और एरंडी के पेड़ जो हर साल बारिश में कचरे में निकलते वही है, और मेरे बाएं साइड देखिए थोड़ा सर कैमरा बाएं साइड देखिए जो झाड़ी है, अभी आई थिंक ये 2-3 महीना ही हुआ एक काम को, और एक गार्डन का मतलब सुना है कि बहुत अच्छा, मतलब नाना नानी इसके अंतर्गत बहुत बड़ी बड़ी सुविधाएं दी जाती है और एक गार्डन का अच्छा प्रयोजन सामाजिक बांधकाम विभाग द्वारा दिया जाता है, तो उसमें दिख रहा है हमें कि देखो कितना अच्छा गार्डन जो नेचुरली उगने वाले पेड़ों का गार्डन है, और जिसमें अभी इससे हमें साफ दिखाई दे रहा है कि ठेकेदार ने किस तरीके से। आपने जब ये सब जो चीज़ आप मुझे बता रहे हैं, तो ये कार्य जब गार्डन बनने के लिए स्टार्ट हुआ तो ये तब से वैसा ही है कि ठेकेदार ने जो इसके अंदर में कुछ घास पेड़ कुछ लगाया है? कुछ नहीं लगा। ये गार्डन जो था यहाँ पे अभी तक कुछ भी कुछ पेड़ वेड़ नहीं लगा हुआ है, सिर्फ ये दीवार बनी हुई है। ये पेड़ जो था ये पहले का है, और जो बाएं साइड में आपको जो झाड़ी दिख रही है हर साल जैसे उगती थी वैसी इस साल भी उगी हुई, क्योंकि नीचे में इसका जो काम हुआ है कुछ भी काम नहीं हुआ है, और सामने में एक थोड़ी नाली बनी है अभी जो रोड का कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, ये रोड के ठेकेदार से हमने बनवाया लिया। ये ठेकेदार का नाम आपको मालूम है कौन है? ठेकेदार का नाम तो हमें पता नहीं, कोई अभय करके आते थे और उनसे पूरा नाम क्या बोले? अभय अग्रवाल। तो उनसे हमने किससे बातचीत करनी, तो ठेकेदार आए और गए, उन्होंने कॉलोनी वाले किसी से ना संपर्क में या किसी को विश्वास में लेने की ऐसी कोई कोशिश नहीं की या किसी से बात करना टाला है हमेशा उन्होंने। तो यहाँ इसका जो एस्टिमेट है हमको यानी पता चला है कि कुछ 30 लाख का टेंडर हुआ है और 22 लाख रुपए यानी इनका यानी रिलीज हो गया है, और 22 लाख का ऐसा कोई काम नहीं, सिर्फ दीवार का यानी काम हुआ है। 22 लाख में अगर इतना बड़ा काम मतलब ये हुआ है तो इससे मैंने और इससे बड़ा यानी ये क्या हो सकता है? आपका कहना ये है कि 22 लाख में सिर्फ दीवार दीवार और ये वाली जो नाली है ये कहां से बनवाया है? ये हमारे कॉलोनी का जो रोड बनाया है और नाली का काम किया इन्होंने, ये नहीं बनाया, इन्होंने नहीं बनाया। यहाँ पर जो बेसिक सुविधा है गट्टू लगना चाहिए, यहाँ रोड होना चाहिए, दादा दादी यानी बैठने के लिए चेयर्स होना चाहिए वो नहीं है, झाड़ लगना चाहिए यानी गार्डन टाइप का लगना चाहिए, फूलों के झाड़ होना चाहिए, और यहाँ बीच में बच्चों को खेलने के लिए रेत का यानी ये होना चाहिए, ढेर होना चाहिए बच्चे खेले, और उसके बराबर बाउंड्रीज बनना चाहिए, आसपास बैठने की जगह होना चाहिए, ये सारी चीज़ें, और पानी की सुविधा होना चाहिए, पीने के पानी की व्यवस्था होना चाहिए, यहाँ गार्डन को यानी जो झाड़ों को पानी वाना उसकी सुविधा होना चाहिए, ऊपर ओवरहेड टैंक होना चाहिए,
अब ये 22 लाख में यानी इतना ऐसा कौन सा काम कर लिए सिर्फ दीवार में 100 रुपये 150 रुपये स्क्वायर फीट से काम होता है, इसको गिनवा लो कितना होता है, तो 150 नहीं 200 रुपये स्क्वायर फीट से काम होगा, गिनवा लो कि 22 लाख का काम हुआ है या नहीं हुआ है करके, इस टाइप से यानी काम होता है। और दादा हम करवा देंगे ये देखो तो वहाँ से ये वायर का फेंसिंग लगा हुआ है कंपाउंड से, ये अब ये इसका भी पैसा अब निकला गया नहीं मालूम, ये भी निकल गया होगा वो, तो इसका इस टाइप से यानी काम होना यानी ये मतलब धोखेबाजी हो गई ना पब्लिक से, कॉलोनी के लिए जो यानी सुविधा दी है गवर्नमेंट ने प्रॉपरली होना चाहिए, लोग आज तक यानी मतलब यहाँ आते तक के नहीं, एक साल हो गया है। ठीक है सर, इस कार्य को हम आगे बढ़ाते हैं। और रोड के निर्माण कार्य से आपको समस्या क्या हो रही है? सर रोड तो बना दिया बनाने वालों ने, लेकिन इससे हमारी समस्या और बढ़ गई है। बारिश में देखिए सर, ढलान के ढाल बराबर नहीं बनाया गया रोड में, जिस वजह से घर के सामने ही बारिश का पानी जमा हो जाता है, और तो अगर ज़ोर से ज़बरदस्त बारिश अगर हुई तो यही रोड का पानी घर के अंदर कंपाउंड में भी घुसता है। ये बारिश का पानी जमा होने के लिए तो कई मच्छर और यहाँ पर ये चीज़ें जमा हो जाती हैं, जो कि स्वास्थ्य के लिए भी बराबर नहीं है। और कई बार बताने के बाद भी ये रोड का ढलान जो है ये प्रॉपरली बनाया नहीं गया, ठेकेदार साहब ने किसी तरह से इसको काम निपटाना है करके निपटा कर रोड चले गए। इतना अच्छा रोड बनाया सर, देखिए सीमेंटेड रोड है लेकिन उसकी कोई शान नहीं है, क्योंकि सीमेंटेड रोड के ऊपर पानी जमा है। देखिए जिस तरीके से ठेकेदार ने रोड बनाया, आप देख सकते कि ये रोड भी अभी उखड़ने लगी है, ये दिखाइए थोड़ा सा, और काफ़ी पानी यहाँ जम जाता है, इससे मैडम का कहना है कि काफ़ी बैक्टीरिया और डेंगू होने की संभावना हमें हो सकती है। मैडम तो इसमें आपने ठेकेदार से और वार्ड मेंबर से संपर्क किया? जी सर, ठेकेदार ने वार्ड मेंबर और इंजीनियर साहब से संपर्क किया था, उनका पूरा सहयोग था, उन्होंने ठेकेदार को सामने ही बुलाकर बोला था कि इस समस्या का हल हो जाना चाहिए, लेकिन बार बार बोलने के बावजूद भी ठेकेदार साहब ने इस समस्या का हल नहीं किया। बीसीएन न्यूज़ के लिए गोंदिया से अभिषेक भटनागर की रिपोर्ट।